रेडियो कानपुर FM 90 से मैं हूं सुजाता और इस वक्त हमारे साथ हैं टीवी चैंपियन शिव प्रसाद जी, जिनसे हम जानेंगे इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं 2022 में बड़ा चौराहा कानपुर कचहरी रोड पर आया, ठेला लगा रहा था, तो मुझे अचानक कुछ फल अंगूर जैसे का सीजन था, मैं उसको खाया और खाने के बाद दो चार दिन तक मैं परेशान रहा, कुछ खांसी बलगम जैसे महसूस होने लगा और बुखार भी आता था, पसीना भी आता था, भूख भी कम लगने लगा, वजन भी घटने लगा, मैं अजीब सा मचलन जैसी आने लगी शरीर में, महसूस होने लगा कि दिक्कत है। तो मैं किसी और को बताया, उन्होंने कहा भैया खांसी अगर नहीं रुक रही है तो आप दो हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है तो ये तो टीबी के लक्षण हैं, अगर बुखार दो हफ्ते से आ रहा है तो ये भी टीबी के लक्षण हैं, रात को पसीना आता है ये भी टीबी के लक्षण हैं। तो मैं संकोच में पड़ा और उसके बाद मुझे मेरे कोई मित्र मिले तो उन्होंने बताया कि आ जाइए हमारे यहाँ जांच करा लीजिए, और मैं जांच कराया तो मुझे भी उसमें दिखाई भी दिया कि अभी स्टार्ट है, आपका स्टार्टिंग है, आप अच्छे हो जाओगे, जल्दी अच्छे हो जाओगे। मैं दवा शुरू कर दिया और 6 महीने से तक लगभग खाया, उसके पहले ही ठीक हो गया था, लेकिन मैं 6 महीने पूरा किया दिन, 6 महीने पूरा दिन मैंने गैप नहीं की, शाम को खाता था और दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता था, मतलब परेशान रहता था, मानसिक रूप से भी तनाव रहता था, लेकिन फिर मैं ठीक हो गया। और आज मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि दो हफ्ते से अगर बुखार आ रहा हो और दो हफ्ते से लगातार आपको खांसी आ रही हो तो आप अस्पताल में आकर के, टीबी हॉस्पिटल में आकर के, कहीं भी अपने नज़दीकी अस्पताल में आकर के और अपना जांच करा करके मुफ्त में दवा मिलती है, कोई दिक्कत रहती नहीं, 6 महीने तक खाइए और ओके हो जाइए, मेंटेन हो जाइए। अच्छा, आप भी जो भी चाहें। मैं ये कह रही थी कि घर में आपको किस तरह का सपोर्ट मिला, या बाहर अगर किसी को पता चला कि आपको टीबी हो गई है तो किस तरह का आपका सपोर्ट रहा है? कुछ लोग पानी वानी जैसे पीते थे, बोतल में या पन्नी में भर के हम लोग पानी पीते, ठेला वाले जैसा भी पाते हैं उसमें पी लेते, तो जिससे मैं कहता था कि मेरा पानी मत पियो, टीबी है मुझे, तो कुछ लोग कहते थे कुछ नहीं होता टीबी, वो भी कुछ नहीं होता है, ये सब ठीक हो जाएगा, दवा तो खा रहे हो ना, हाँ ठीक है जी। सरकार की तरफ से आपको क्या लाभ मिला? हमको 500 रुपये प्रति माह मिला है, लेकिन थोड़ा समय लग गया, 1-2 महीने, लेकिन मिला है हमको पूरा पैसे जी, 500 रुपये प्रति माह जो मिलते हैं इसके तरफ से वो मिला हमको। सर, आप लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं, बाकी भी अब तो आप चैंपियन हैं, तो जो मरीज आते हैं टीबी के उन्हें कैसे आप कन्विंस करते हैं? उन्हें मैं बताता हूँ कि दो हफ्ते से अगर बुखार आ रहा हो, आपको लगातार दो हफ्ते से बुखार आ रहा हो, वजन घट रहा हो, भूख ना लग रहा हो, खांसी आ रही हो दो हफ्ते से लगातार, तो आप चेकअप अपने पड़ोसी को भी बताइए, अपने परिवार में भी बताइए और अपने आसपास को भी बताइए और सबको बताइए, दवा खाते रहिए, 6 महीने में ठीक हो जाएगा। रेडियो कानपुर FM 90 के माध्यम से बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसा भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसे प्रसार करें ताकि आपके आसपास में कोई टीबी ना रहे, अपने देश से भी नहीं बल्कि पूरे संसार में टीबी मुक्त हो पूरा देश, टीबी हारेगा देश जीतेगा।